नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे फास्टैग को लेकर। नेशनल हाईवे हो या फिर एक्सप्रेसवे हो, आपको इन सड़कों पर सफर करने के लिए टोल देना ही पड़ता है। यानी कि इन सड़कों पर यात्रा करने के लिए आपको टैक्स को लेकर पैसे देने पड़ते हैं। टोल टैक्स पर लगने वाले भीड़ को देखते हुए भारत सरकार ने टोल टैक्स वसूली के नियमों में बदलाव किया था। केंद्र सरकार की तरफ से जारी नियम के अनुसार यह कहा गया था कि अब फास्टैग के माध्यम से ऑटोमेटिक पैसे की वसूली हो जाएगी। इसको लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी काम किया और लगभग गाड़ियों में फास्टैग लगाया गया, ताकि जब ये गाड़ियां टोल के पास पहुंचे तो वहां पर गाड़ियों को रुकने ना पड़े, बड़ी ही आसानी से आगे बढ़ती रहे और एक तरह से कह लें कि पैसे की वसूली जो है वो हो जाए। हालांकि फास्टैग में भी कई तरह की समस्याएं सामने आने लगी। जैसे ही फास्टैग बहुत आसानी से रीड नहीं कर पा रही थी, लोगों को टोल पर रुकना पड़ रहा था। ऐसे में अब एक बार फिर से इसमें बदलाव किया गया है। ऐसे में अब जो बात कही जा रही है उसमें यह बताया गया है कि फास्टैग को बंद कर एक नया हाईटेक सिस्टम लाया जाएगा, जो कि फास्टैग से भी तेज़ी से काम करेगा। आपको बता दें कि यह नया सिस्टम सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के तहत काम करेगा। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि नए सिस्टम से काम होना भी शुरू कर दिया गया है। इसका पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को आधिकारिक रूप से मंजूरी मिलने के साथ साथ ये भी कहा गया है कि फास्टैग को बंद कर दिया जाएगा और नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से टैक्स की वसूली शुरू हो जाएगी। यह भी बताया गया है कि इस नए सिस्टम में टोल टैक्स किलोमीटर के हिसाब से लिया जाएगा। वर्तमान में हाईवे पर टोल टैक्स के माध्यम से पैसे लिए जाते हैं। बता दें कि जैसे ही कोई भी गाड़ी अगर हाईवे पर चलना शुरू करती है तो टोल प्लाजा पर एक राशि लिया जाता है, जो कि फास्टैग के माध्यम से आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं। वर्तमान में जो पैसे टोल के रूप में काटे जाते हैं, उस एक्सप्रेसवे या फिर हाईवे के रूप पूरे सफ़र को लेकर पैसा काटा जाता है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि यह टोल टैक्स महंगा होता है। अब देश में भी नए टोल टैक्स की बात कही जा रही है, जिसमें यह कहा गया है कि नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल विदेश में भी किया जा रहा है, खास करके जर्मनी में इस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि अगर आप किसी एक्सप्रेसवे या फिर हाईवे पर सफ़र कर रहे हैं तो वर्तमान में उसका पूरा पैसा आपको देना पड़ता है, लेकिन जब नेविगेशन आधारित सिस्टम लागू हो जाएगा तो आपको उतना पैसा नहीं देना होगा। जितना कि आप सफ़र किए हैं उतना ही पैसा आपको देना होगा। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि टोल टैक्स का नया तरीका पैसे के मामले में किफ़ायती होने वाला है। अब आपके दिमाग में यह बात चल रहा होगा कि आखिर यह नई तकनीक काम कैसे करेगा। अगर कोई भी गाड़ी हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे में चलना शुरू करती है तो उसके टोल का मीटर ऑन हो जाता है, यानी कि उसकी रीडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, और जैसे ही वह गाड़ी हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे छोड़ती है तो टोल का टैक्स जो है वो रुक जाता है। यानी कि जो मीटर हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे पर चढ़ते समय शुरू हुआ था वो रुक जाएगा, यानी कि नेविगेशन सिस्टम के हिसाब से पैसा कटना बंद हो जाएगा। बता दें कि इस पूरे प्रकरण को लेकर बताया जा रहा है कि यह नया सिस्टम भी फास्टैग की तरह ही काम करेगा। ऐसे में यह कहा गया है कि पैसा उतना ही लगेगा जितना आप सफ़र करेंगे, यानी कि एक्सप्रेसवे या फिर हाईवे पर आप जितनी दूरी तय करेंगे उतना ही पैसा लिया जाएगा। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि नए सिस्टम से लोगों को थोड़ी राहत मिलने वाली है, यानी कि फास्टैग में जितना किराया अभी लिया जा रहा था उससे जो है कम किराया लेने की बात जो है इस नए सिस्टम के तहत कही गई है। मान लिया जाए कि कोई भी एक्सप्रेसवे या हाईवे 50 किलोमीटर लंबा है तो अभी वर्तमान में जो किराया उसे लिया जा रहा है उस पर 50 किलोमीटर के दूरी को लेकर लिया जा रहा है, लेकिन अगर आप 20 किलोमीटर चलने के बाद एक्सप्रेसवे छोड़ देते हैं तो ऐसे में जो है अब आपका जो नया किराया, जो नया सिस्टम जो लागू हुआ है, उसमें मात्र 20 किलोमीटर का ही आपसे किराया लिया जाएगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।